बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मौसम की नई अपडेट में खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। और यहाँ पर आपको बताते चलें, आज लाहौर शहर का मौसम जो है वो धुंध के साथ नज़र आएगा। बताया गया है शहर के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर धुंध का राज है, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, जबकि मुख्तलिफ मुकामात से लाहौर में एंट्री और एग्ज़िट पर मोटर वे भी बंद कर दी गई है। बताया गया है कि लाहौर शहर के अंदर आइंदा आने वाले 24 घंटों के दौरान में शाम के औकात में मुतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। ताहम आज के रोज़ में लाहौर शहर में बारिश नहीं देखी जाएगी, जबकि महकमा मौसमियात ने मंगल और बुध के रोज़ के हवाले से लाहौर शहर में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें, पाकिस्तान के दीगर शहरों के हवाले से तो कराची शहर का मौसम जो है वो भी सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में बुध के रोज़ बारिश होगी और आज शाम मुतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। ताहम कराची में आज धूप भी निकलेगी और शहरियों को धूप को सेकने का मौका भी मिलेगा। यहाँ पर आपको बताते चलें, महकमा मौसमियात ने बताया है कि कश्मीर के इलाकों में बारिश का जो सिलसिला है वो गुज़िश्ता 24 घंटे से जारी है। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने सर्दी की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफा किया है। बात की जाए मुजफ़राबाद की और गिरदोनवा की, तो वहाँ पर भी बारिश का सिलसिला देखा गया। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि मालाकंड के अंदर भी मौसम बारिश के बाद काफ़ी सर्द हो गया है। इसी के साथ अगर बात कर लें मरी की, तो मरी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान में होने वाली हल्की बर्फबारी के बाद से मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्द है। दर्जा हरारत -2 डिग्री भी रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ साथ अब बताया गया है कि आइंदा आने वाले 24 घंटे के दौरान में बलूचिस्तान के मौसम की बात की जाए तो वो भी सर्द और खुश्क रहेगा। बात की जाए के शहरों की, तो वहाँ पर बलाई इलाकों में आज बारिश पड़ेगी। मज़ीद अपडेट से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।